Please welcome Jay Chaniara from Rajkot. जय की जय हो। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार अर्चना जी। पाई लग। वाह पाई लग। थैंक यू। पाई लग। रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है। मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है। और जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय, वही पराजय आज घिस घिस कर जय हो गया है। बहुत अच्छा शेखर जी। आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले चाइना के प्रधानमंत्री भारत आए थे, जिनपिंग। मेरा दोस्त बोला चाइना के तो आ गए, अब ओरिजिनल कब आएंगे। पहुंचे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अच्छा जय वंडरफुल। अर्चना जी आपको पता है अभी धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। लोग धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। नहीं तो कोरोना के टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि अगर फेसबुक पे बर्थडे की भी फोटो डालो तो दो तीन लोग ओम शांति लिख के चले जाते। और कोरोना ने और कुछ किया हो या ना किया पर इंसानियत जगा दी जी। टेस्ट तुम करो और प्रार्थना आजू बाजू वाले कर दो। और अर्चना जी आपको पता है हमारी महिलाएं भी बड़ी चतुर और झांसी की रानी होती। बिल्कुल। ये तो अच्छा है गैस का सिलेंडर लोहे का होता है। वरना हमारी महिलाएं पेस्ट और क्रीम की तरह उसे दबा दबा कर गैस निकाल दे। शेखर जी आपको पता है पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां गुजराती ना हो। हमारे गुजराती में एक कहावत है, जियां जियां वसे एक गुजराती त्यां सदा काल गुजरात। गुजराती लोग डबल दिमाग रखते हैं। एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ हारमोनियम तबला ढोलक ड्रम सब मिलता है। नीचे लिखा हुआ था बंदूक भी मिलती। मैंने कहा क्यों? बोले आज आप यहाँ से हारमोनियम ले जाओगे ना कल आपका पड़ोसी बंदूक ले जाए। हमारे पड़ोस के कांजी भाई मंदिर गए बिना फल के। तो पंडित जी ने कहा रोज तो तुम फल लाते हो आज क्यों नहीं लाए? कांजी भाई बोले भगवान ही कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर गुजराती चाहे हर चीज में आगे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक नहीं कर पाए। उल्टा ही। और तुषार जी हमारे यहाँ के तो डॉक्टर भी बड़े कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, नए केस का 200 रुपया पुराने केस का 100 रुपया। पेशेंट ने सोचा यहाँ तो हर रोज कितने आते हैं, डॉक्टर को नए पुराने केस के बारे में क्या पता चले। डॉक्टर साहब मेरा पुराना केस है। अच्छा लाओ 100 रुपया। डॉक्टर ने 100 रुपया ले लिया, बोले जो पिछली बार लिख के दिया था ना वही दवाई चालू रखो। अर्चना जी मैं और मेरी मम्मी बस में चढ़े, मैंने कंडक्टर से कहा एक पूरी और एक आधी टिकट दे दे। कंडक्टर मेरी तरफ देख के बोला घूर के तेरी तो पूरी लगेगी। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी तो मूछे निकल आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी मम्मी की तो मूछे भी नहीं है, मेरी पूरी दे दो और उसकी आधी दे। दुनिया ने हंसाया रुलाया मुझको, किस्मत ने ठोकरे खिलाई मुझको, जब पत्थर से सितारा बन के चमका मैं तो हजारों सितारों ने गले से लगाया मुझको। थैंक यू वेरी मच। बहुत सरस परफॉर्मेंस, बहुत सरस। आपका अंदाज, आपकी स्वीटनेस और आपकी हर चार लाइनों में जो आपने पंच मारे हैं ना, माइंड ब्लोइंग। जय तुम जय भी हो।
और विजय भी। वाह वाह। और तुमने ये साबित कर दिया, where there is a will, there is a way. Thank you so much. बहुत। जय गुजराती हैं और पैसा बचाना उनको ठीक से आता है। बिल्कुल। तो जय आसान तरीके बताओ पैसे बचाने के। पैसे बचाने के सबसे आसान तरीके दो। जी। एक आप बैंक में पैसा रख सकते हो और दूसरा महिलाओं को संभालने के लिए दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर कितना है बैंक से वापस मिलता है? सुना तो था कि गुजरातियों के पास हर सवाल का जवाब होता है। मैं ही पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं? मैम, गाठिया, फाफड़ा और जलेबी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। आए हाय। इसीलिए तो मैम, जब हमारे गाठिया, फाफड़ा और जलेबी को फॉरेंसिक लेक में अमेरिका भेजा गया, तो वहां से भी जवाब आया, 5 किलो सैंपल और भेजो, मजा आ गया। मेरे जैसी कोई बैठी होगी वहां पर भी। बोला आने दो आने दो। जय, आजकल इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो रखा है, आप भी गुजरात मुंबई करते हैं, तो इस हेक्टिक स्केड्यूल में जीते कैसे? हेक्टिक शेड्यूल मुंबई के लिए नहीं, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है। इसका मैं आपको एक नमूना बताता। मैं अपने दोस्त के घर मेहमान बन के गया, तो मेरे दोस्त ने अपने लड़के से कहा, हमारे घर पे मेहमान आए, जा बेटा मेहमान के लिए बाहर से कुछ लेके आ। लड़का गया और टैक्सी लेके आ गया। यहाँ की भाषा बहुत अनोखी और निलाल के हर चीज में टच शब्द डालने की आदत। टच। कल मैं अंधेरी स्टेशन गया, टच करके आ गया। टच। ऑफिस गया, टच करके आ गया। दोस्त के घर गया, दोस्त नहीं था, भाभी को टच करके आ गया। इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत शरारत है। बहुत शरारत है, बहुत हरारत भी है। शेखर जी, मेरी पत्नी गुजराती हैं, मुंबई में पली बड़ी, लेकिन मराठी ठीक से बोलती नहीं। जब भी हमारी मेड के साथ वो बात करती हैं, तो चार भाषाओं की भेलपूरी परोसी जाती है। कुछ इस तरह, ए सुवर्णा इकड़े आओ, इकड़े आओ, इकड़े आओ, मने सांग, मने सांग, तेरे को परत सुट्टी कशाला हवी छे। गुजराती मराठी मिक्स। भेलपुरी। फिर अभी तो 9 दिवस गामे गेलेली होती। ओके। 9 दिवस। 9 दिवस तारी वाट बघता बघता माझी वाट लागलेली। तू तेने इकडे बोलाव, तारा सेठ डॉक्टर कशाला झाले। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.